पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 सब्जियों के नाम बताए थे जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ अपनी छत पर लगाने के लिए इस समर सीजन के लिए। तो दोस्तों जी हाँ, अब फरवरी का मौसम आ गया है और हम सब्जियाँ अपनी छत पर लगानी शुरू कर देंगे गर्मियों के लिए। तो आज मैं 10 सब्जियाँ लगाऊंगा, जिनमें से आप ये देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर बैंगन आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बैंगन का पौधा लगाना बहुत ही आसान है और इसके लिए सबसे पहले हमें इसके बीज मार्केट से खरीदने होंगे। कुछ इस तरह से मैंने भी बीज खरीद लिए हैं और आप ये देख सकते हैं ये बीज मैंने हाथ में ले लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सीडलिंग मिक्सचर बनाना है। सीडलिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। इसमें आप एक मुट्ठी नीम की खली भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब हम बैंगन के बीज अपनी सीडलिंग ट्रे में लगा लेंगे। इस पर मैं कुछ इस तरह से टैग लगा दूंगा जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने बैंगन के बीज इस तरफ लगाए हैं। दूसरे नंबर पर हम लगाएंगे भिंडी। भिंडी लगाने का ये मौसम बहुत ही अच्छा है। फरवरी के महीने में ही हम गर्मियों की सब्जियां लगा लेते हैं और ये भिंडी उनमें से एक है। तो आइए भिंडी भी अब हम लगा लेंगे। तीन चार बीज एक खाने में लगाएंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हर खाने में। कुछ इस तरह से मैं बीज लगा रहा हूँ। नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जी है खीरा। दोस्तों गर्मियों में खीरा खाना सबको पसंद होता है, तो आज हम अपनी छत पर खीरा भी लगाएंगे। तो दोस्तों खीरे के जो बीज हैं वो कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे और दो दो बीज एक ब्लॉक में लगाएंगे। नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंच बीन्स। तो मैं ये वैरायटी की फ्रेंच बीन्स अपने छत पर लगा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके बीज मिल जाते हैं बाजार में। इसको भी हम दोस्तों थोड़ा सा डीप लगाना है हमें इसको। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या लगा लिया हमने। ये बैंगन हो गए, ये साथ में भिंडी, ये खीरा और ये फ्रेंच बीन्स। चलिए नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जी है लौकी, इसे हम घिया भी कहते हैं। तो घिये के हाइब्रिड सीड्स हैं, इसको हम निकाल लेते हैं कैंची की मदद से। तो घिये के जो बीज होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो इसको हम एक एक ब्लॉक में एक एक ही बीज लगाएंगे। थोड़ा सा डीप लगाना है, लगभग आधा इंच के आसपास। इसके ऊपर भी हम ये टैग लगा देंगे जिससे हमें पता चलता रहे कि कौन सी सब्जी हमने कौन से ब्लॉक में लगाई है।
तो ये घी अभी हो गया। नेक्स्ट सब्जी है ककड़ी। दोस्तों इसको लॉन्ग मेलन भी कहते हैं, ये खीरे की तरह सैलेड में खाई जाती है गर्मियों में। तो इसके भी बीज हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। इसके बीज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, आइए इनको भी लगा लेते हैं। नेक्स्ट हमारी सब्जी है पम्पकिन, इसको कहते हैं कद्दू। तो आइए इसको भी हम लगा लेंगे। इसके बीज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, इसका भी हम एक एक बीज एक एक ब्लॉक में लगा लेंगे। और इनको अब हम प्रेस कर देंगे अंदर ऐसे, और ऊपर से कवर कर देंगे। लगभग आधा इंच गहराई पर हमें इसको लगाना है। नेक्स्ट सब्जी है तोरी। तो ये तोरी भी आज हम अपने छत पर लगाएंगे, गर्मियों में होने वाली बहुत ही अच्छी सब्जी है। इसके बीज हम देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। इसके बीज इस तरह से कुछ काले रंग के दिखते हैं। हाइब्रिड वैरायटी की तोरी है ये, इसको भी अब हम लगा लेंगे। एक एक बीज एक एक ब्लॉक में लगाएंगे, आधा इंच नीचे। हमारी नेक्स्ट सब्जी है जुकीनी। दोस्तों जुकीनी खाना किस किस को पसंद है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आइए इसके अब हम बीज देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। दोस्तों जुकीनी के बीज भी कुछ कद्दू की तरह ही दिखते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका भी हम एक एक पौधा एक एक ब्लॉक में लगाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट सब्जी आती है करेले। तो दोस्तों करेले बहुत ही हेल्दी सब्जी है, शुगर के पेशेंट्स जो जिनको डायबिटीज़ होती है वो करेले उनको खाने चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। करेले के बीज को भी हम लगभग आधा इंच नीचे लगा लेंगे। तो ये करेले का भी टैग हम लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने सारी सब्जियां लगा दी हैं। इनको अब स्प्रेइंग पंप की मदद से पानी दे देंगे। इस सीडलिंग ट्रे को हम सेमी शेडेड एरिया में रख लेंगे, 8 से 10 दिनों में इसमें जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इन टैग्स को मैंने घर पर बनाया है कार्डबोर्ड की मदद से, उसके ऊपर मैंने टेप लगा दी थी ताकि गीले होने पर भी मार्कर से जो मैंने लिखा है सब्जियों के नाम वो मिट ना जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जिसमें मैंने आपको
लाइव डेमो दे के बताया है कि आप अपनी छत पर कैसे सब्जियां लगा सकते हैं गर्मियों की, और मैंने भी आज अपनी छत पर गर्मियों की सब्जियां लगा दी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो समय समय पर मिलती रहें। थैंक यू।